नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारी वीडियो को देखने के लिए और साथ में ज़रूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि समय समय पर हम ज्योतिष से संबंधित, व्रत और त्योहारों से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो शनि का राशि परिवर्तन हुआ जनवरी 2020 में, शनि राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आया और उसके बाद में एक दो बार उसकी स्थिति वक्री भी हुई, तो अच्छी तरह से राशियों को प्रभावित नहीं कर पाया कि उसका जो भी फल होना था अच्छा या बुरा वो ठीक तरह से अभी हो नहीं पाया। लेकिन सितंबर 2020 के बाद में जब शनि मकर राशि में स्थित है, तो अब से लेकर के और मकर राशि पर्यंत, जब तक ये मकर राशि में रहेगा तब तक 12 राशियों पर इसका प्रभाव कैसा रहेगा वो हम आपको क्रमशः बताएंगे कि हर राशि पर शनि के मकर राशि में आने का क्या प्रभाव रहेगा, किस किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा और क्या फल देगा, अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। तो एक एक राशि का हम क्रमवार आपको बताएंगे। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि। सबसे पहली राशि जो है मेष राशि, तो मेष राशि के लिए मकर का शनि कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए मकर का शनि बहुत अच्छा रहने वाला है, रोजगार और व्यापार क्षेत्र में तरक्की करेगा और जिसको अभी रोजगार व्यवसाय नहीं मिला है उसको मिलने का बहुत बड़ी संभावना बनेगी और जिसको मिला हुआ है उसके लिए उन्नति की बहुत बड़ी संभावना, प्रबल संभावना बनेगी शनि की वजह से। यद्यपि दसवां घर जो है पिता राज्य और व्यापार का होता है, तो पिता क्षेत्र से भी बहुत अधिक सहयोग, सफलता पिता स्थान से भी मिलेगी और अपना जो व्यापार है, जो रोजगार है उसमें भी तरक्की होगी, साथ में मान सम्मान की भी स्थिति बनेगी। राजनीतिक क्षेत्र में जो मेष राशि वाले हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, राजयोगकारी रहेगा और इस समय का मेष राशि वाले अगर राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति से संबंधित कोई उनकी इच्छा है, तो इस समय का समय बहुत सही है, शनि बहुत अनुकूल है खास करके राजनीतिक स्तर के लिए। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जन्म कुंडली में जिनको ये प्रभावित भी करेगा, वहाँ से कुछ नकारात्मक भी परिणाम रहेंगे, जैसे बाहरी स्थान से जो आपका कार्य क्षेत्र है या यात्रा है वहाँ से हो सकता है थोड़ी असंतोषजनक स्थिति रहे। इसके अलावा जो माता भूमि सुख स्थान है वहाँ से भी थोड़ी असंतुष्टि रहेगी, जन्म स्थान से अलग प्रवास की स्थिति भी बन सकती है, अलग रहना पड़ सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और इसके साथ साथ में क्योंकि शनि का प्रभाव है, शनि का रोल है, तो थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी भी रहेगी। ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जीवन के क्षेत्र में जहाँ से थोड़ी बहुत असंतोषजनक स्थिति रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर के शनि का जो परिणाम है व्यक्ति के उन्नति में मकर राशि के शनि का मेष राशि पर बहुत अच्छा रहेगा और इस समय का
सदुपयोग करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति मेष राशि का व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है तो वो इस समय विचार कर सकता है। शनि बहुत अनुकूल है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और राजयोगकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो आगे लोगों को भी पहुंचाने का कष्ट करें।